सफल देश समृद्ध किसान अगर हो खेती बाड़ी का समुचित ज्ञान। जी हाँ किसान भाइयों, खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर आपके लिए हाजिर हैं हम दोनों। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और अल्पना जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। और विद्यार्थी आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। बहुत सारे पर्वों के बाद, छुट्टियों के बाद फिर से एक बार हमारा जो दैनिक जीवन है सुचारू रूप से चलने लगा है। बिल्कुल, तो सिर्फ हम अपने घर के बारे में बातचीत करते रहे हैं या किसान भाइयों का वक्त आ गया उनके कार्यक्रम का? बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार के साथ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ पूजा। केंद्र प्रायोजित नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर ऑफ फिशरमैन योजना के अंतर्गत 19 से 65 आयु के सक्रिय मछुआरों के लिए आकस्मिक दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें बीमित मछुआरों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। प्रीमियम की आधी राशि राज्य सरकार और आधी राशि केंद्र सरकार वहन करती है। सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समिति एवं मत्स्य विभाग से संबद्ध मछली पालन के कार्य से जुड़े सक्रिय मछुआरों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाता है। बीमा करवाए हुए व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में या पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में 1,00,000 रुपए उनके वैध उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाता है। आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपए भुगतान करने का प्रावधान है। इसके लिए लाभुक के परिजन को बीमित व्यक्ति की दुर्घटना या मृत्यु होने पर 20 दिनों के अंदर अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन जमा करना अनिवार्य है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि गोभी वर्गीय फसलों में ब्रोकली कई दृष्टिकोण से फायदेमंद है। एक तो राज्य के किसान इसकी बेहतर उपज से अच्छी कमाई कर सकते हैं, दूसरी बात ब्रोकली स्वास्थ्य के मद्देनजर बहुत गुणकारी फसल है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन और खनिज पाया जाता है। कई सब्जी फसलें ऐसी हैं जिसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसी सब्जी उत्पादों में एक नाम ब्रोकली का है। कृषि वैज्ञानिक का मानना है कि अपने राज्य के लोग स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं। इस दृष्टिकोण से किसान ब्रोकली की खेती करें तो उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। किसान भाई फूल गोभी और गांठ गोभी और बंद गोभी की खेती तो करते ही हैं, और हमारा सुझाव होगा कि इस समय अगर ब्रोकली की खेती की तरफ अगर अपना झुकाव रखें तो निश्चित रूप से उनको ब्रोकली की खेती से भी अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे झारखंड प्रदेश में काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, और इससे ब्रोकली की में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, खनिज तत्व, मिनरल और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आर्थिक लाभ भी अच्छा मिलेगा। झारखंड पठारी राज्य है, यहाँ मैदानी राज्यों के वनस्पित समतल भूमि कम है। ऐसी भौगोलिक दशा में खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ड्रिप एरिग्रेशन सिंचाई की ऐसी विधि है जो गैर समतल जमीन के लिए तो कारगर है ही, साथ ही साथ कम पानी में बेहतर सिंचाई और बेहतर उपज दिलाने की क्षमता रखती है। खासकर सब्जी फसलों की सिंचाई के लिए सबसे कारगर तकनीक है ड्रिप एरिगेशन प्रणाली। इस विधि द्वारा पानी सीधे पौधों के जड़ों में जाता है, जिससे पौधों का पुष्ट विकास होता है और उपज में भी बढ़ोतरी होती है। इस विधि में जल स्रोत से लेकर पौधों तक पानी पहुंचाने के लिए प्लास्टिक के पतले पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। वैसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप टपकन विधि की सिंचाई, जिसे हम सूक्ष्म सिंचाई भी कहते हैं या ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, तो यह आज की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जल का जो है वो हम संरक्षित जो है वो हम नहीं कर पाते हैं। इस तरह से आपके पास जो भी स्रोत हैं जल के एकत्रित करने के, उसको आप करें और साथ में आप ड्रिप का ही इस्तेमाल करें, ताकि इसमें सरकार की तरफ से काफ़ी इसमें सब्सिडी भी दी जा रही है, तो इसमें आप ड्रिप के संचालन से आप जो है सब्जियों के में खास करके आप तीनों मौसमों में खेती कर सकते हैं। लहसुन मसाला फसल है और सलकंदीय फसलों में इसका दूसरा स्थान है। झारखंड में लहसुन की खेती की बहुत अच्छी संभावना भी है। राज्य के किसान लहसुन फसल से बेहतर उत्पादन पाने के लिए लहसुन के उन्नत प्रभेद एग्रीफाउंड वाइट G41, यमुना सफ़ेद G1, यमुना सफ़ेद 2 और G282 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 2 से 4 टन प्रति एकड़ है।
लहसुन के उन्नत प्रभेदों में एग्री फाउंड व्हाइट G41 के कंद चांदी की तरह सफेद, गुद्दा क्रीम रंग का और जवे बड़े आकार में 20 से 25 की संख्या में होते हैं। इसी तरह के कंद और जवे यमुना सफेद G1 का भी होता है। यमुना सफेद 2 165 से 170 दिन में तैयार हो जाता है तथा बैंगनी धब्बा और झुलसा रोग के प्रति सहिष्णु होता है। G282 के कंद बड़े और जवे मोटे आकार के होते हैं। जवों की संख्या 15 से 18 होती है। यह प्रभेद 140 से 150 दिन में तैयार हो जाता है। इन प्रभेदों वाले लहसुन की उत्पादन क्षमता 2 से 4 टन प्रति एकड़ है। ग्राउंडनट डिकोटिकेटर उस कृषि उपकरण का नाम है जो मूंगफली और रेडी का दाना निकालने का काम करता है। ये छोटे तथा मध्यम किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी यंत्र है। इस यंत्र के हापर में एक बार में 2 किलो मूंगफली डाला जाता है तथा हत्थे को पकड़कर आगे पीछे चलाया जाता है। इस यंत्र का संचालन बहुत ही साधारण और आसान है। ग्राउंड नट डिकोटिकेटर में माइल्ड स्टील की दो साइड में 2 सीट होती है, नीचे एक सीब होती है तथा दाना छुड़ाने के लिए एंगल आयरन का हैंडल होता है जो एक फल क्रम की भांति यंत्र से जुड़ा होता है। यह यंत्र मूंगफली एवं रेड़ी को फोड़कर दानों को बाहर निकालता है। जब हैंडल को पकड़कर आगे पीछे चलाया जाता है तो रगड़ के कारण मूंगफली फूट जाती है और छिलका तथा दाना दोनों जाली से बाहर निकल आता है। आइए मिलते हैं उस सफल किसान से जिनकी मेहनत ने हर फसल की उपज को बेहतरी दी है। ये बेहतरी मात्रा में भी है और गुणवत्ता में भी है। यही वजह है कि आज ये अपने गांव के गिने चुने प्रगतिशील किसानों में से एक हैं। एक प्रगतिशील किसान हर वक्त अपनी खेती की बेहतरी के बारे में ही सोचता है। वो न सिर्फ सोचता है बल्कि सफल अंजाम देने की जुगत में भी लगा रहता है। आज हम जिस सफल किसान से मिलने वाले हैं वो भी न सिर्फ पैदावार बढ़ाने की कोशिश करते हैं बल्कि जुताई, बुआई, सिंचाई, निकाई गुड़ाई, कटाई और बेहतर भंडारण की दिशा में काम करते हैं। UNDP से खाली जी और शांति जी आए, वो सब हम लोग को मीटिंग कराए, ड्रिप के बारे में बताए, तो हम लोग बताए कि ड्रिप से बूंद बूंद पानी से बढ़िया खेती होता है, तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ है। इसलिए वो सब हम लोग को फिर से एग्रीकल्चर ले गए घूमने के लिए, खीरा और गोभी, उसके बाद फिर खरबूजा लगाए और फिर इसी तरह से करीब 2 साल से हम लोग खेती कर रहे हैं। फर्स्ट क्रॉप में करीब हम 30,000 का टमाटर बेचे थे। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25.9 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1,900 रुपए से लेकर 2,000 रुपए, चावल मध्यम 2,100 रुपए से 2,200 रुपए, चावल उत्तम 2,300 रुपए से 2,400 रुपए, गेहूं 1,350 रुपए से 1,450 रुपए, चना 4,200 रुपए से 4,500 रुपए, दाल अरहर 6,600 रुपए से 6,800 रुपए, दाल मसूर 4,300 रुपए से 4,600 रुपए, दाल चना 5,700 रुपए से 5,900 रुपए, सरसों तेल 10,200 रुपए से 10,300 रुपए, चीनी 3,500 रुपए से 3,600 रुपए, आलू 1,150 रुपए से 1,300 रुपए और प्याज 1,200 रुपए से 1,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी, कितनी अच्छी जानकारियां किसान भाइयों को मिली कृषि समाचार में। अब आगे कौन कौन सी बातें हैं जो हम बताने वाले हैं कार्यक्रम में? आज ढेर सारी जानकारियां हैं शेष, लेकिन पहले ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, इस विराम के बाद, इस संदेश के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो मास्टर जी, आपने जैसे कि पहले कहा था कि बहुत सारी जानकारियां आप लेके आए हैं, तो बताइए आगे क्या है? बिल्कुल किसान भाइयों, अभी ठंड का मौसम है और इस मौसम में आप मटर की खेती कर रहे हैं और मटर की खेती में इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर खेती के दौरान किसी तरह के कीट पतंग लग जाएं तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, नुकसान होता है। बचाव की जरूरत है। बिल्कुल किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप मटर की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले बीजोपचार कर लें, लेकिन अगर उसके बाद भी किसी कारणवश अगर आप बीजोपचार नहीं कर पाए और फसल में कीट लग रहे हैं तो बचाव जरूरी है। जी बिल्कुल, तो आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। तो किसान भाइयों, आइए आज के कार्यक्रम में जानकारी हासिल करते हैं कि मटर की फसलों में अगर कीट लग जाए तो आप किस तरह से बचाव करें। जी, और इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। डॉक्टर साहब, अभी हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो मटर की खेती किसान करने जा रहे हैं या बहुत सारे लोगों ने अभी मटर लगा भी रखा होगा अपने खेतों में, तो इनमें कौन कौन सी बीमारियां लगने की संभावना होती है? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, बहुत सारे किसान भाई इस समय मटर की खेती जो है करने की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे किसान ऐसे भी होंगे जो कि मटर लगा चुके होंगे। तो जो किसान भाई मटर लगाने की तैयारी कर रहे होंगे तो वैसे किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने जो है जो भी बीज का चुनाव करें, अच्छी उन्नत किस्मों का चुनाव करें। जैसे आपने सुना होगा आजाद पीवन, अर्किल, जो कि प्रमुख बीमारी वैरायटी है, किस्म है मटर की, और इस प्रजातियों का चयन करें। साथ ही साथ जब आप बीज को आप लगाने जाते हैं तो बीज से भी मृदा जनित भी बीज जनित बीमारियां होती हैं, कुछ मिट्टी जनित होती हैं। तो किसान भाई थोड़ी सी जो है सावधानी बरतें बुआई के समय, तो मृदा जनित तथा बीज जनित बीमारियों से अपने फसल को बचा सकते हैं। जैसे आप मटर की बुआई करने जा रहे हैं, यदि आपने घर का बीज इस्तेमाल किया है तो बीज को उपचारित कर लीजिए। उपचारित करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप बाविस्टीन ले लीजिए, 5 ग्राम 1 ग्राम पर लीटर पानी के साथ आप घोल बना लें और उसमें मटर के बीज को आधे से 1 घंटे के लिए डिप कर दीजिए। इस तत्पश्चात उसको जो है छान के छाया में सुखा लीजिए। इसके बाद उसको जो है शाम को बुआई करें, तो इसे जो है बीज जनित बीमारियों से बचा सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसान भाई खेत की तैयारी कर चुके हैं और बुआई करने जा रहे हैं, तो यदि बाविस्टीन आपने यूज़ नहीं किया है तो आप जो है खड़ी फसल में जो आपकी एक बीमारी आती है उकठा बीमारी, इसमें पौधा जो है सूख जाता है, इस बीमारी के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 7 ग्राम ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, ट्राइकोडर्मा पाउडर के रूप में भी उपलब्ध है और बीज के रूप में भी उपलब्ध है। आप देखेंगे
कि अनाज बेस्ड होता है और पाउडर बेस्ड, दो तरह के ट्राइकोडर्मा मार्केट में उपलब्ध है। दोनों में से कोई भी उपलब्ध हो तो आप जो 5 से 7 ग्राम लेकर पर केजी बीज के साथ जो है उसको उपचारित कर लें, तत्पश्चात उसको बुआई करें। यदि आपने ट्राइकोडर्मा बीज उपचारित नहीं किया है तो उसको आप चाहो तो बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ मिलाकर भी खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो है ये सावधानी बरतने से खड़ी फसल में भी आपकी बीमारियां न आने की संभावना कम हो जाएगी, साथ ही साथ जो है बीज जनित जो बीमारियां होती हैं वो भी नहीं आएंगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा बीज जनित बीमारियां और मिट्टी जनित बीमारियां, इसको तो लगाने के पहले किसान तैयारी कर लें और इसके लिए जो आपने सुरक्षा बताया वो उन सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखें, लेकिन जो किसान अभी लगा चुके हैं खेत में और इन तरह की तैयारियों से वो अवगत नहीं थे और ऐसे ही उन्होंने लगा दिया, तो अब उनको क्या करना चाहिए कि भविष्य में उनके जो फसल हैं उसमें कीट न लगें? हाँ, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, जो किसान भाई मटर लगा चुके हैं, अब उनको हमेशा आपको जो है अपने खेत में प्रतिदिन आपको जाना पड़ेगा, इसलिए कि जो है आपके खेत में जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े तुरंत आपको उसके निदान के बारे में सोचना होगा। जैसे खड़ी फसल में प्रमुख रूप से जो बीमारी आती है ये खाता है, इसमें आप देखेंगे मटर में पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद चूड़ी लासिता इसको बोलते हैं, पाउडर के रूप में सफ़ेद जो है पाउडर जैसा आप देखेंगे कि पत्तियों के ऊपर जो है एक लेयर बन जाता है। इससे जो है पौधा तो आपका स्वस्थ दिखता है, लेकिन वही होता है कि पत्तियों द्वारा भोजन कम मात्रा में बनाई जाती है, जिससे जो है पौधा जो है उसकी बढ़वार कम होती है, फल की साइज भी कम लगती है, छोटा लगता है, तथा पर फल में जो है दाने भी कम संख्या में बनते हैं और पौध में पाठ की संख्या भी फली भी कम लगती है। तो इस बीमारी के लिए किसान भाइयों को सचेत रहना पड़ेगा। इसके बाद एक बीमारी प्रमुख रूप से जो आती है उकठा आती है, जो कि मृदा जनित है। यदि किसान भाई ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल नहीं किए हैं तो उसका एटलीस्ट जो ट्राइकोडर्मा का जो है इस्तेमाल जो है जब भी आप बुआई करें फ्यूचर में तो जो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो खड़ी फसल में एक बार बीमारी जब आ जाती है तो उसको नियंत्रित करना मुश्किल होता है। और एक बीमारी प्रमुख रूप से और है जो कि डाउनी मिल्डू के नाम से जानी जाती है। डाउनी मिल्डू में होता क्या है कि पौधे की पत्तियों के ऊपर निचली सतह पर एक डाउनी ग्रोथ होती है हरे रंग की, सफ़ेदी और हरे रंग को लेके ग्रीनिश वाइटिश जो ग्रोथ होती है, जिसके कारण से भी पौधा जो काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ता है तथा फल और फली भी कम लगते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि किसानों को कैसे पता चलेगा कि ये हमारे खेतों में ये कीट लग गया है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इसके लक्षण क्या हैं? हाँ देखिए, लक्षण एकदम आप जो है कह रहे थे, यदि आप खेत में यदि आप जाते हैं प्रतिदिन तो आपको आसानी से आप पहचान सकते हो, क्योंकि आप जैसे पौधा उगता है उसके बाद धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, तो आप प्रतिदिन खेत में जाते हो देखते रहते हो कि हमारा पौधा कैसा दिखाई पड़ रहा है। यदि पौधे की पत्तियों के ऊपर सफ़ेद पाउडर जैसा एक पतली सी लेयर आप देखेंगे, इवन हाथ से आप टच करेंगे तो आपकी उंगलियों में पाउडर जैसा यदि लग जाए, इस तरह के यदि आपको लक्षण दिखाई दे, इसका मतलब है आपके खेत में पाउडरी मिल्डू बीमारी आ गई है। इस बीमारी के लिए कि आपको जो है इस तरह से आप उसको पहचान सकते हो। इसके बाद डाउनी मिल्डू की बात हम बता रहे थे कि डाउनी मिल्डू में आप देखेंगे पौधे की निचली पत्तियों पे डाउनी ग्रोथ होता है। डाउनी ग्रोथ का मतलब जो है आप नीचे की तरफ आप जो है देखेंगे एक कार्टन जैसा जो है, रुई जैसा जो है नीचे की तरफ ग्रोथ होती है, यह इस रोग का जो है प्रमुख लक्षण होता है। इसके बाद एक उकठा बीमारी जो हम बता रहे थे कि पौधा जो होता है आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है और किसी भी स्टेज में जो है आपके खेत में डाउनी मिल्डू आ सकता है, अरे उकठा आ सकता है, इसे पौधा जो है नीचे से जो है सूखना स्टार्ट करता है और फाइनली जो है सूख के नीचे जो है ज़मीन पे गिर जाता है। तो इस तरह से जो है इसके रोग के लक्षण होते हैं, और किसान भाई यदि ये रोग के लक्षण पहचान जाए तो इसके निदान के बारे में किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे यदि आप जो है निदान अच्छा से कर लेंगे तो आपके खेत में जो है बीमारी तेज़ी से फैलेगी नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जैसे हम पाउडरी मिल्डू की बात करें तो पाउडरी मिल्डू के लिए सल्फर फंजीसाइड बहुत ही अच्छी फंजीसाइड है, उसको ले लीजिए। सल्फर मार्केट में उपलब्ध रहता है, पाउडर फार्म में रहता है, 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी के साथ आप मिला लीजिए। सल्फर उपलब्ध नहीं तो थायोविट ले लीजिए, थायोविट उपलब्ध नहीं है तो डायथन Z78 ले लीजिए। डायथन Z78 जो है आपको 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के साथ मिलाना है। यदि यह भी उपलब्ध नहीं है तो आप बाविस्टीन ले लीजिए, इसको जो है 1 ग्राम पर लीटर पानी के साथ मिलाना है और
उसका छिड़काव करना है। 10 से 12 दिन के अंतराल पे दूसरा छिड़काव कर दीजिए तो आपके खेत में पाउडी मिल्डू नहीं आएगा। यदि आपके खेत में डाउनी मिल्डू आई हुई है तो डाउनी मिल्डू के लिए डायथेन M45 बहुत ही अच्छी दवा है। यदि यह दवा उपलब्ध नहीं है तो आप रिडोमिल MZ ले सकते हैं, रिडोमिल गोल्ड ले सकते हैं। इन दवाओं का आप जो है डोज वही है, 1 ग्राम पर लीटर पानी के साथ मिला के छिड़काव करें तो आपके खेत में डाउनी मिल्डू बीमारी नहीं आएगी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है? अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। तो किसान भाइयों आपने जाना कि मटर में अगर कीट लग जाए तो उनका किस तरीके से बचाव करें। अब आगे हम जब आते हैं तो लेकर आते हैं एक सफल किसान से मुलाकात। बिल्कुल, तो किसान भाइयों हम जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो किसान भाई सफलतापूर्वक खेती करते हैं वो शुरुआती दौर से ही कई तरह की सावधानियां अपनाते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो। क्यों अल्पना जी? जी बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि आप भी उनसे मिलें और ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा लेके लाभ प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, इसी कड़ी में आज आपको एक खास किसान से मिलवा रहे हैं। अल्पना जी किस चीज़ की खेती कर रहे हैं वो? जी वो उन्होंने सफल तरीके से कृषि किया है पत्ता गोभी और मिर्ची का। बिल्कुल, तो किसान भाइयों आप भी पत्ता गोभी और मिर्ची की खेती करते हैं, किस तरह से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं इस तरह की खेती से, आइए इस विषय पर जानकारी हासिल करते हैं। और हमारे जो सफल किसान हैं वो हैं निकोलस धनवार। निकोलस जी बताइए कि ये जो आप खेती कर रहे हैं पत्ता गोभी की, तो इसका आपने कैसे सोचा और इसके जो बीज हैं उनका कैसे बीजोपचार किया और इसको फिर कैसे लगाया? हाँ मैं तो ऐसे पहले धान का खेती करता था, साथ में करते करते कुछ कुछ दोस्तों से कहीं पर प्रशिक्षण होता है वहाँ पर जाता हूँ, और जाने के साथ साथ जो भी मतलब मेरे फसल में जो कमी आती थी उसको हम पूछताछ करते हैं और उन लोग के गाइडलाइन पर हम मतलब उनको इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बावजूद देखे कि कुछ मतलब फ़ायदा हो रहा है हमको तो उसी हिसाब से हम करते हैं। तो ये पत्ता गोभी का आप खेती लगाए हैं, हाँ। तो कौन सा मतलब नस्ल का? ये हाइब्रिड किस्म का है, इनका नाम है मैको 139 है। तो आपकी इसकी जानकारी कहाँ से मिली कि ये जो नई किस्म का बीज आया है उसको लगाएं तो ज़्यादा फायदा हो हमें? ये जानकारी हमें एक देखे कि सभी लोगों ने अगल बगल में खेती करने लगा, तो हम मेरा मन में सोचे कि चलो हम भी खेती करते हैं। इस तरह से हमने जो दोस्त जो है मेरा वो सब लड़का उनके साथ में पूछे और इसको मतलब किए शुरुआती किए। तो पहले जो कर रहे थे खेती और अब जो हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं, ये दोनों में आपको कितना फर्क महसूस हो रहा है? बहुत फर्क है, काहे कि देसी बीज में थोड़ा बंद गोभी जो है वो कम ही होता था और इसमें थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और ये बांध गोभी में देसी किस्म का था उसमें अगर पीस में बेचते हैं तो उसमें नुकसान होता था, और इसमें बड़ा हाइब्रिड किस्म का उसको पीस में बेचेंगे तो भी नुकसान नहीं होता है। तो इसके अलावे पत्ता गोभी के अलावे और क्या चीज़ का खेती आप? हम
शकरकंद का भी करते हैं। शकरकंद करीबन हम इस बार का अथि में 25 से 28 हज़ार मतलब बिके, और अभी भी कुछ बिकना बाकी है। शकरकंद हो गया, ये सब्जी हो गई, हाँ सब्जी, अलावा धान, हाँ ये सब का भी खेती, हाँ करते हाँ धान का भी खेती करते हैं। और धान हेसला गांव में हम सबसे पहले मतलब हाइब्रिड का किस्म का खेती किए। जब शुरुआत में लगाए उस समय मतलब खेत भी नहीं दिखता था कि लगाया है धान, लोगों ने मजाक टाइप उड़ाने लगे, लेकिन हम ठीक है मजाक उड़ाओ लेकिन हम करके दिखाएंगे, इस हिसाब से किए। उसके बाद में वो जो पहले जो देसी धान लगाते थे बाप का हिस्सेदारी में 20 से 25 मन ही होता था, लेकिन जब हाइब्रिड लगाना शुरू किए तो मतलब मैंने 60 से मतलब 70 गुना मतलब अधिक उपज हुआ। तो आप जो अभी आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं और पहले जो आपके पिताजी या फिर भाई लोग जो बड़े थे वो करते थे, उन दोनों के बीच में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? अभी हम मतलब ये कर रहते हैं कि देखने से पहले हम पहले रिसर्च कर लेते हैं, रिसर्च करने के बाद हम खेती में उतर करते हैं अध्ययन करने का रिसर्च करते हैं। हम मतलब किस फसल को लगाएं कि मतलब अच्छे मुनाफा मिले, उस तरह से हम पहले खुद सोचते हैं तब। तो मास्टर जी, निकोलस धनवाड़ जी से मिलके तो मैं भी बहुत खुश हुई, बहुत प्रेरणा मिली मुझे, और हमारे किसान भाई भी जरूर लाभान्वित हुए होंगे। बिल्कुल, और धीरे धीरे किसान भाइयों ठंड की सेहरन बढ़ रही है और ठंड के दौरान खेती बाड़ी में बहुत सारी सावधानियां अपनानी पड़ती हैं, और तब सावधानियां आप अच्छी तरह से अपना सकते हैं जब आपको जानकारी होगी कि मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, अब आगे मौसम के मिजाज के बारे में हम उनको जानकारी देंगे। समझ गई मैं। बिल्कुल, तो IMD पुणे से प्राप्त मौसम की जानकारी पर डालते हैं एक नजर। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का तापमान कुछ इस प्रकार से दर्ज किया गया, अधिकतम 27.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज मौसम सामान्य रहेगा एवं हल्की हल्की हवा चलने की संभावना है। गेहूं फसल की पिछात बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 1.5 किलोग्राम बीज का व्यवहार करें। बीज लगाने से पहले बीज को बीटाबैक्स 2.5 ग्राम मात्रा की दर से उपचारित करें। पिछात गेहूं लगाने का समय 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होता है। गेहूं की उन्नत प्रभेद HD 2647 एवं HUW 234 है। इसकी उत्पादन क्षमता 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो मौसम के मिजाज के बारे में जान लिया हमने मास्टर जी, अब आगे चिट्ठी पत्री की बात। बिल्कुल किसान भाइयों, आप चिट्ठी पत्री अवश्य लिखें, आपकी सुझाव हमें हमारे कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो किसान भाइयों लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 8340001। तो आज के लिए बहुत सारी जानकारियां हो गई मास्टर जी, अब अलविदा लेने का समय आ गया है। बिल्कुल, ले लेते हैं। बिल्कुल, विदा लेते हैं। तो किसान भाइयों, वक्त थोड़ा रहा या ज्यादा रहा फिर हम मिलेंगे, ये वादा रहा। इसी वादे के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।